अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनीमिया के ऊपर, खून की कमी के ऊपर, खून की कमी की वजूहात के ऊपर। 10 बड़ी वजूहात क्या हैं एनीमिया की, खून की कमी की। अब इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोज हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे फॉलो और लाइक नहीं किया तो आप लोग हमें वहां पे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट के अंदर जरूर जो है अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जो आंसर है वो आपको वीडियो की सूरत में अगर मिलना होगा तो वीडियो जरूरी होगी तो हम वीडियो की सूरत के अंदर उसका जो आंसर है वो दे देंगे, अगर जो है पॉसिबल होगा, या फिर आपको जो आंसर है उसका कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जो आंसर है क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने बात की कि आज का जो टॉपिक है वो है एनीमिया की कॉजेज के ऊपर। अब यहाँ पे एनीमिया जो है, खून की कमी क्यों हो रही है, इस चीज़ को बताने का मकसद ये है, वजूहात बताने का मकसद ये है कि आप लोग उन वजूहात से बचें या उन वजूहात को ठीक करने की कोशिश करें ताकि आपको जो है एनीमिया ना हो, खून की कमी ना हो, आपके बच्चों को, आपके घर में जो खवातीन है उनको। यूजुअली क्या होता है, एनीमिया से जो अफेक्टेड लोग होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं या हमारी जो औरतें हैं वो होती हैं। तो घर में जो खवातीन है उनको कैसे बचाना है एनीमिया से, और आप लोगों ने जो है अपने जो बच्चे हैं उनको जो है इन वजूहात को जानने के बाद उनसे जो है परहेज करना है, उन वजूहात से बचने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो वजह आती है वो आती है हमारे पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बहुत बड़ी वजह है न्यूट्रिशन के अंदर आपकी जो है आयरन का कमी, या साथ साथ जो है आपकी विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड की, या फोलिक एसिड कम है, या जो है आपका आयरन आपकी डाइट के अंदर, आपकी न्यूट्रिशन के अंदर कम है, आपके बच्चों की डाइट के अंदर, खवातीन की डाइट के अंदर, तो एनीमिया होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और एनीमिया स्टार्ट हो जाता है, खून की कमी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आप लोग ये जान लें कि आपको जो है आयरन भी जरूरी है आपकी बेबीज के लिए भी, हर इंसान के लिए, और फोलिक एसिड भी। तो आप लोग क्या करेंगे कि अपनी जो डाइट है उसके अंदर जैसे ऑर्गन मीट होता है, कलेजी, गुर्दा वगैरह, इसके अंदर वाफिर मकदार के अंदर जो है आयरन मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास जो सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, इनके अंदर जो है नट्स हो गए, इनके अंदर वाफिर मकदार के अंदर आयरन मौजूद होता है। तो आप लोग अपनी डाइट के अंदर आयरन को शामिल करेंगे, आयरन की जो सप्लीमेंट्स होते हैं, फोलिक एसिड के जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनको ऐड करेंगे, सप्लीमेंट्स जो टैबलेट्स होती हैं उस सूरत के अंदर, और साथ साथ जो अपनी डाइट है उसको भी अच्छा करेंगे, ठीक है। और बेबीज के लिए भी आप यही करेंगे कि अपने जो बच्चे हैं उनकी डाइट अच्छी करें, उनको फ्रूट्स दें, उनको वेजिटेबल्स दें, उनको सलाद बनाकर दें, या जो है उनके जो इसके अलावा आप जो है नट्स और जो मिल्क है उसको इकट्ठा जो है ग्राइंड करके उनको जो है शेक बनाकर वो भी दे सकते हैं, स्मूदी बनाकर दे सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा, तो बच्चे जो होंगे वो शौक से पिएंगे भी सही, और उससे उसके साथ साथ क्या होगा कि उनकी जो डेफिशिएंसी होगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली नंबर पर वजह थी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पर वजह ये आती है कि आपकी जो न्यूट्रिशन है वो तो पूरी है, जो पर्सन है, बेबी है, जो भी पर्सन है जिसको जो है एनीमिया हो रहा है, अब उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो डिस्टर्ब हुई है। मतलब कहने का ये है कि पर्सन जो है अपनी डाइट में आयरन ले रहा है, आयरन रिच डाइट ले रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसकी एब्जॉर्प्शन खराब है। आसान लफ्जों में मतलब यह है कि खुराक तो वो खा रहा है अच्छी, लेकिन उसको लग नहीं रही। जैसे हम कहते हैं कि बंदा खुराक खा रहा है लेकिन उसको जो है लग नहीं रही, तो अब इसके अंदर ऐसे ही होगा कि आप खाएंगे तो सही लेकिन आपको लगेगी नहीं। अब बच्चों के अंदर या खवातीन के अंदर यूजुअली क्या होता है कि वो जो है मट्टी, मुल्तानी मट्टी जो होती है वो जो है ऐसी चीजें जो है खाते हैं जिससे क्या होता है कि पेट के अंदर जो है कीड़े स्टार्ट हो जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर वॉर्म्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं बनना। अब जब वो स्टार्ट होता है तो अब उससे क्या होता है कि जो आपकी जो एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन के अंदर, या आपकी जो गट के अंदर डाइजेशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। या आपको अगर ये नहीं भी है तो इसके अलावा क्या होता है कि आपको कोलोन की कोई डिजीज है, या आपको जो है गट का कोई प्रॉब्लम है, या आपको जो है कोई अल्सर्स हैं गट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो खराब हुई हुई है।
अब आप ले तो रहे हैं लेकिन आपका जो मैदा है वो उसको हजम नहीं कर रहा, आपकी जो आंतें हैं जो आपके इंटेस्टाइन्स हैं वो उसको अब्सॉर्ब नहीं कर रही, अब वो खून तक नहीं पहुंच रही, वो खून नहीं बन रहा और इस तरह से एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई है। तो हमने इस चीज से बचना, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी रखना है, कोई ऐसी चीज नहीं इस्तेमाल करनी जिससे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो और हम जो चीज ले रहे हैं उसका फायदा ना हो हमें, ठीक है। तो हमारे पास दूसरे नंबर पर वजह ये आ गई। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो वजह आती है वो आता है हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर क्या होता है कि जो आपके जो आपका बॉडी है, आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, जूसेस होते हैं जो सिक्रीट होते हैं, जब वो आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीट हो जाते हैं तो वो जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हार्मोन्स का अगर इम्बैलेंस होगा, हार्मोन्स जो है अगर खराब होंगे, ऊपर नीचे जो है रिलीज होंगे, ज्यादा रिलीज होंगे या कम होंगे, तो उससे भी जो है आयरन की जो डेफिशिएंसी है या विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, या जो है आपको खून की जो है कमी है, जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है, एचबी लेवल है जो ब्लड के अंदर, वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास पहले नंबर पर आता है वो ये आता है कि अगर पर्सन को हाइपोपिट्यूटरीज्म है, अगर जो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपो है, मतलब वो जो है कम जो है काम कर रहा है, फंक्शन जो है उसका लेस हुआ हुआ है। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है ये हमारे ब्रेन में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो वजह आती है वो ये आती है कि हाइपोपिट्यूटरीज्म के साथ साथ जो है आपके गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है इसका जो है अगर हार्मोन जो है इम्बैलेंस है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे पास एनीमिया को देखा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास तीसरे नंबर पर ये हो सकता है कि हाइपोएड्रिनलिज्म है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो जो है उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ये हो सकता है कि हाइपोगोनेडिज्म है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो देखी जा सकती है। अब इसके बाद हमारे पास जो फर्दर आता है, जो वजह आती है वो ये आती है कि अब आपका हार्मोनल लेवल भी ठीक है, आपकी जो डाइजेशन है वो भी ठीक है, आपकी अब्जॉर्प्शन भी ठीक है, आप ले भी ठीक रहे हैं, अब क्या मसला है। अब ये हो सकता है कि आप हर चीज़ या आपकी जो सारी चीज़ें ये ठीक हैं, लेकिन आपको जो है जो फंक्शनिंग है, जो हीमोग्लोबिन है या जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे इस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये हो सकता है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ठीक तरीके से बन नहीं रहे। आपके रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपकी किडनी के अंदर से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, अगर वो जो है वो सही नहीं पैदा हो रहा तो उसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स सही तरीके से बनेंगे नहीं और जो है एनीमिया हो जाएगा, तो हमारे पास ये भी आ सकता है। अब अगर किडनी की डिजीज है तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है, गुर्दे की बीमारी, तो इसकी वजह से भी एचबी लेवल कम हो सकता है और एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। अगर लीवर की डिजीज है, जो है अगर आपको जो है लीवर का जो है प्रॉब्लम है, तो या फिर जो पर्सन है वो अल्कोहलिक है, शराब ज्यादा पीता है, तो उससे भी क्या होगा, लीवर डैमेज होगा और लीवर की वजह से क्या होगा, अल्कोहलिक लीवर की वजह से, या फिर जो आपको लीवर का वैसे प्रॉब्लम है या इंजरी हुई है लीवर की, तो उस वजह से भी क्या होगा कि एनीमिया स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका खून की कमी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास ये आता है कि अगर जो डिजीज आ जाती हैं काफी सारी, जैसे लीवर डिजीज हमने बात की या किडनी डिजीज बात की, एक और डिजीज होती है बोन मैरो डिजीज। अगर बोन मैरो डिजीज हो गया, बोन मैरो कैंसर हो गया, बोन मैरो जो है ट्यूमर स्टार्ट हो गया, तो उसके अंदर भी क्या होता है, जो एचबी लेवल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि बोन मैरो जो है आपके अल्टीमेटली क्या देता है, रेड ब्लड सेल्स देता है, तो अगर वो है तो उसी से भी आपके जो रेड ब्लड सेल्स वो इमेच्योर होंगे और आपको जो है खून की कमी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर पर बात आती है वो ये है कि अगर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, कोई आर्थराइटिस है, ऑटोइम्यून डिजीज है कोई भी, अगर आपको जो है कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज चल रही है बॉडी के अंदर या जो है ऑटोइम्यून डिजीज चल रही है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि एचबी लेवल कम हो जाता है, खून की कमी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है, जो वजह आती है, वो हमारे पास ये है कि अगर जो है डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है, ठीक है, अगर जो है जो आपको डिमांड है जो आरबीसी के बनने की, जो आपको आयरन की डिमांड है, जो आपको न्यूट्रिशन के अंदर विटामिन बी ट्वेल्व की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही, मतलब आपको जितनी चाहिए आप उतनी नहीं ले रहे, आप ले तो रहे हैं लेकिन आप उतनी ज्यादा नहीं ले रहे, कम ले रहे हैं। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, जो डिमांड होती है वो एक जो लिमिटेड जो अमाउंट होती है उससे जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये कब बढ़ती है इस चीज को देखेंगे, जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं माहवारी के दौरान, ठीक है, इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पीरियड्स के दौरान,
इसके अलावा जो है हमारे पास जो लैक्टेशन होती है, अगर जो है फीमेल दूध पिला रही हैं तो इस दौरान, या फिर जो है अगर जो है ब्लड लॉस हो गया बहुत ज़्यादा इस दौरान, या जो है आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं इस दौरान, अगर इन सारी सूरत हाल के अंदर ये आप जो है इन सारी सूरत हाल से अगर आप गुजरे हैं, या आप जो है फीवर के अंदर थे, या जो है आपको जो है वोमिटिंग स्टार्ट हुई थी जिसके अंदर ब्लीडिंग हो रही थी, या आपकी जो है इंजरी ट्रॉमा हुआ था, आपके जो ब्लड लॉस हो गया था, अगर इन सारी सूरत हाल से आप गुजरे हैं तो आपको जो है आपकी जो डिमांड है, आपकी जो ज़रूरत है विटामिन B12 की या आयरन की, वो बढ़ जाएगी। तो आपको अब ज़्यादा लेना पड़ेगा, न्यूट्रिशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप उस तरीके से नहीं बढ़ा रहे तो वो फिर जो डेफिसिट के अंदर चला जाएगा और डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी और फिर एनीमिया हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट नंबर पर बात आती है वो ये है कि आपकी जो डिमांड है वो भी पूरी हो रही है। अगर आपकी जो है आपको कोई और डिजीज भी नहीं है, को मॉर्बिडिटी भी नहीं है, आप जो है फिट हैं, आप अपनी न्यूट्रिशन भी पूरी ले रहे हैं, अब क्या वजह हो सकती है? अब ये हो सकता है कि आपका ब्लड लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी में से ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग से क्या हो रहा है कि आपको एनीमिया हो रहा है, आपका जो HB लेवल है वो कम हो रहा है, आपको जो है खून की कमी हो रही है। अब ब्लीडिंग ऐसी भी हो सकती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी और आपको जो है फील भी नहीं होगा और आपका जो एनीमिया वो स्टार्ट हो जाएगा, खून की कमी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन हो गई, पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है फीमेल्स के अंदर, उसके अंदर भी क्या होता है कि फीमेल्स को अक्सर जो है इस चीज़ से बार बार गुजरने की वजह से क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर अक्सर जो है आयरन की डेफिशिएंसी देखी जाती है, जो है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी देखी जाती है, और जो है एनीमिया देखा जाता है, HB लेवल उनका कम रहता है। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास ये है कि जो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं, अब ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी, अब फीटस जो बेबी है वो डिवेलप कर रहा है, जो माँ का खून है वो बेबी को भी चाहिए, तो जो खून है वो डबल चाहिए। तो खून जब डबल चाहिए तो न्यूट्रिशन भी डबल चाहिए, आयरन भी डबल चाहिए, तो हमें जो है आयरन बढ़ाना पड़ेगा और अपनी जो फोलिक एसिड है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, विटामिन B12 को भी बढ़ाना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अगर ये जो है इस तरीके से हो सकता है, या ये है कि मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के अलावा लैक्टेशन हो रही है जैसे कि मैंने बताया। अब ब्लीडिंग की हम बात कर रहे थे, तो ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन के अंदर आ गई, या प्रेगनेंसी के बाद जो है ड्यूरिंग जो सी सेक्शन होता है, या इसके बाद जो डिलीवरी होती है उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है उससे भी हमारे पास एनीमिया देखा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये हो सकता है कि कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, तो उसके अंदर जो खून लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा खून बह गया, तो एनीमिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये हो सकता है कि आपको जो है आपको गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है, आपको जो है मैदे के अंदर आपको जो है अल्सर हैं और मैदे के अंदर ब्लीडिंग हो रही है आपकी, तो ये भी हमारे पास एक वजह हो सकती है, और जिसका जो है फील नहीं होता और जो है फीसिस से पखाने के अंदर जो है ब्लीड होता रहता है, पर्सन जो है नोटिस नहीं करता, तो ये जो है एनीमिया के अंदर चला जाता है पेशेंट ऐसा। तो ये हमारे पास जो है वजूहात थी आज जिसको हमने डिस्कस किया, एनीमिया की, खून की कमी की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।